नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित राय और स्वागत है आपका इनफोकस सिविल एकेडमी में। दोस्तों, किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए आपको चार बुनियादी बातें जो मैंने अपने सबसे पहले वीडियो में बताई थी, उनमें से एक पॉइंट ये भी था कि आप उस परीक्षा के उस आयोग की जो आयोग वो परीक्षा ले रहा है उसके आप सभी प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से अवलोकन करें, अध्ययन करें, उसको समझने की कोशिश करें कि वो उस सिलेबस में उस सब्जेक्ट में किस पोर्शन पे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस पे कम पूछे जा रहे हैं और कहाँ से हमें ज़्यादा पढ़ना है, किस पर ज़्यादा ध्यान देना है, किसको ज़्यादा बार रिवाइज करना है, किस में अगर कम भी पढ़ें तो भी हमारा काम चल जाए। तो इन सभी का अध्ययन करने के लिए, इसको समझने के लिए प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके आपको दो बेनिफिट मूल रूप से मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो यही होता है कि आपको प्रीवियस ईयर्स का अगर आप अध्ययन करते हैं प्रश्नों का, तो वहाँ से आपको डायरेक्ट प्रश्न आपकी परीक्षा में भी पूछे जाने की संभावना बनती है, क्योंकि आयोग जो है वो कई सारे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है उनको रिपीट करता ही करता है, तो वहाँ से आपको डायरेक्ट प्रश्न भी मिल सकते हैं। इसके अलावा इनडायरेक्ट बेनिफिट एक ये भी होता है कि आपको अपने आप ही कहीं ना कहीं ये बातें समझ में आ जाएंगी कि जीएस में हमारे लिए कौन सा पोर्शन वो ज़्यादा ज़रूरी है और किस पर हमको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज हम लोग जो बात शुरू करने जा रहे हैं, हमने जैसा कि आप लोगों को बताया भी था कि हम लोग अपना एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, जिसमें विभिन्न आयोगों में जो भी परीक्षाएं पूछी, विभिन्न आयोग की विभिन्न परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी का हम लोग एक डिस्कशन करते हुए और चीज़ों को समझेंगे कि कहाँ पर क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है और उनसे आपको निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा। यहाँ पर जो भी मैं प्रश्न डिस्कशन करूँगा, ये सभी प्रीवियस ईयर्स में अलग अलग आयोगों द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं जिनको एक से ज़्यादा बार कई कई आयोगों ने पूछा है, इसलिए उन सभी का मैंने विवरण नहीं दिया है कि किस ईयर में कौन से आयोग ने क्या प्रश्न पूछा है, बस सीधे मैंने प्रश्नों को लिख दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे प्रश्नों का ऐसा मैंने एक सीरीज तैयार की है और ये सभी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप ये मान के चलिए कि यहाँ से निश्चित तौर पे अगर जो इंडियन नेशनल मूवमेंट जैसे हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अगर किसी परीक्षा में ये पूछा जा रहा है तो उसमें निश्चित तौर पे हमारी इस सीरीज से प्रश्न आएंगे ही आएंगे और इसके साथ में जो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको, एक्सप्लेनेशन से भी प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। तो चलिए अपने इस प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग शुरू करते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहली बात कि जो बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो ये देखिए हमारा जो इंडियन नेशनल मूवमेंट का टॉपिक शुरू होता है वो बेसिकली 1885 से ही शुरू होता है। 1885 से 1947 में जब तक हमें आज़ादी मिल गई तब तक, और कुछ लोग इसको 1964 भी बताते हैं, इसी प्रकार से कुछ लोग इसको 1885 के बजाय 1857 से भी बताते हैं। तो आपको जहां से भी शुरू करना हो, जहां से भी आपको मानना हो, बेसिकली पढ़ना तो आपको सब कुछ है, परंतु हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं वो 1885 से 1947 तक करेंगे। इसमें देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, आपको पता ही है कि जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन हुआ उसका जो अगुआ एक संस्था थी, यानी जिसने उस आंदोलन का सबसे ज़्यादा नेतृत्व किया, वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस वही वाली है जो आजकल हमारी कांग्रेस पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी जो है ये वही वाली है। बहरहाल इसका कई बार विभाजन हुआ है, वो बात अलग है, आप देखेंगे अभी तो इसी में पढ़ेंगे कि 1907 में जो पहला विभाजन हुआ था वहाँ से अगर शुरुआत करें सूरत कांग्रेस से लेकर, तो कई कई बार इसका विभाजन हुआ और काफ़ी लंबे समय तक तो ये दूसरे भी नाम से जानी गई, जैसे कि जब इंदिरा गांधी थे तो उस समय में ये इंका कही जाती थी, इंका मतलब इंदिरा कांग्रेस, लेकिन फिर से इन्होंने अप्लाई किया, उसके बाद 90s के दौर में इन्होंने चुनाव आयोग से परमिशन मांगी कि अब हम लोग दोबारा से अपना वही पुराना नाम रखना चाहते हैं, तो इसलिए अब ये पार्टी जो है वही वाली पार्टी है जो 1885 में स्थापित हुई थी। और ये यहां से ये एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि ये इसकी स्थापना कब हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस या सिर्फ कांग्रेस भी बोल दिया जाता है, तो अगर इसकी स्थापना पूछा जाए तो ये कब हुई, तो ये देखिए आपको पता भी होगा क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये है 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई। ये आप लोगों से प्रश्न जो 28 दिसंबर को आप देखते भी होंगे कांग्रेस के मुख्यालयों में, वहाँ का झंडा फहराया जाता है, तिरंगा फहराया जाता है और आयोजन होते हैं,
तो ये एक सबसे प्रमुख डेट है और लगभग सभी आयोगों ने इस पर प्रश्न पूछा है, इसलिए आपको भी अगर आपको नहीं भी पता है तो आप इस डेट को रख लीजिए और ये ईयर तो आपको वैसे भी रटा ही होगा। तो चलिए उसके बाद देखते हैं कि इसकी स्थापना की किसने, यानी कि संस्थापक कौन था। तो देखिए एक नाम आता है यहाँ पे एओ ह्यूम्स, एओ ह्यूम का नाम। तो एओ ह्यूम जो थे इन्होंने इसकी स्थापना की थी और एओ ह्यूम को अगर हम पूरा लिखें तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ये प्रश्न भी काफी बार पूछा जा चुका है और कई बार ये एलन ऑक्टेवियन ह्यूम पूरा लिख देते हैं तो इस चक्कर में लोग एओ ह्यूम तो याद किए रहते हैं पर वहां पर उनका जल्दीबाजी में दिमाग नहीं काम करता है कि इसका फुल फॉर्म ये लिखा हुआ है, तो ऐसा हो जाता है कई बार। जैसे एक प्रश्न मैं भी जब पेपर देता था तब मैं, एक प्रश्न मेरे सामने आया वो पंचायती राज से जुड़ा हुआ था और आपको पता है कि बी आर मेहता, अब उसमें लिखा हुआ तो बलवंत राय मेहता और मैं वो मतलब मुझे बहुत अच्छे से वो आता था परंतु मैं ये दिमाग ही नहीं लगा पा रहा था कि ये बी आर मेहता बलवंत राय मेहता एक ही है, मतलब जल्दीबाजी में वो कई बार नहीं काम करता है दिमाग। तो इसी तरह से आपको ये भी नाम पूरा याद करना जरूरी है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण थे और बल्कि ये काफ़ी समय तक ये उस संस्था के महासचिव भी रहे, लगभग 15 से 20 सालों तक ये महासचिव भी रहे। उसके बाद देखिए संस्थापक क्या थे, तो ये एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो कि इसके संस्थापक थे, ये थे क्या, मतलब ये जो है एक रिटायर्ड जो है वो आईसीएस अधिकारी थे। आईसीएस आप जानते हैं कि इंडियन सिविल सर्विसेज जो है उसको बोलते हैं, तो ये रिटायर्ड ऑफिसर थे, रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर थे। आईसीएस मतलब सिविल सर्वेंट। और देखिए एक बार क्या हुआ कि एक आयोग ने अपनी परीक्षा में पूछ लिया कि ये संस्थापक जो है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम क्या थे और उसमें एक ऑप्शन था असैनिक सेवक, असैनिक सेवक। अब कई लोग इसमें नहीं दिमाग लगा पाए कि असैनिक सेवक क्या है तो इसलिए उनका ये प्रश्न गलत हो गया। यहाँ पे मैं आपको एक ज़रूरी बात ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी प्रश्न में थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ उसका एक बार इंग्लिश वर्जन ज़रूर देख लें। आपकी इंग्लिश हो सकता है कि ख़राब हो, आपको डर लगता हो इंग्लिश से, वो सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन नाम का ट्रांसलेशन वो तो नाम और मतलब इंग्लिश का अगर आप ट्रांसलेशन देख लेंगे तो ये असैनिक सेवक को जहाँ सिविल सर्वेंट लिखा था वो आप आसानी से उसको सही कर देंगे, परंतु ये अब चूंकि इन्होंने ऐसा एक ट्रांसलेशन कर दिया जिसकी वजह से कई लोगों का ऐसा प्रश्न गलत हो गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके संस्थापक जो है वो रिटायर्ड एक आईसीएस ऑफिसर थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसर थे और उन्होंने जो है असैनिक सेवक भी कह सकते हैं। उसके बाद देखिए बात करते हैं कि ये स्थापना इनकी हुई कहाँ थी, तो 28 दिसंबर को 1885 को। देखिए दरअसल बात क्या है कि ये एओ ह्यूम जो थे इन्होंने 1884 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, IN कॉन्फ्रेंस, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ की इन्होंने स्थापना की थी और वो 1884 में की थी। उसी का अगला जो ये मीटिंग करना चाहते थे, अगला जो सम्मेलन करना चाहते थे वो 1885 में ये पुणे में करना चाहते थे, यानी पूना में ये इसका सम्मेलन करना चाहता था। पुणे जो है उस समय एक बड़ी सिटी थी, वहाँ पे सम्मेलन करना चाहते थे परंतु क्या हुआ कि वहाँ पर हैजा फैल गया तो इस वजह से इनको वहाँ पर ये रद्द करना पड़ा और ये इसकी जगह, इसका जो जगह परिवर्तित हुई वो फिर बम्बई में हुई। तो बम्बई में इसकी स्थापना हुई, बम्बई में हम देखते हैं कि ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुई और बम्बई में भी कहाँ पर हुई, तो एक नाम आता है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना हुई। ये हम लोग जो है एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। उसके बाद देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें समझते हैं कि और क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, अब देखिए इन्होंने तो स्थापना की, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने इस संस्था की स्थापना की थी परंतु इसमें जो
ये अगर हम देखते हैं कि प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे डब्ल्यू सी बैनर्जी। और डब्ल्यू सी को अगेन हम लोग फुल फॉर्म देख लेते हैं, तो ये है व्योमेश चंद्र बैनर्जी। इसके संस्थापक अध्यक्ष कह सकते हैं हम लोग, या फिर प्रथम अध्यक्ष कह सकते हैं, या फिर प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कह सकते हैं। इस तरीके से हम लोग इनको संबोधित कर सकते हैं, व्योमेश चंद बैनर्जी। और देखिए ये जो है ये उदारवादी नेता थे, और इनका हम लोग देख सकते हैं कि जो संस्थापक अध्यक्ष भी इन्हीं को बोल सकते हैं। अगर पूछा जाए संस्थापक अध्यक्ष, तो वो भी यही थे, मतलब जब इसकी स्थापना हुई उस समय में जो अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद बनर्जी थे। लेकिन अगर केवल संस्थापक पूछा जाए, अगर केवल संस्थापक पूछा जाए, तो वहां पर आपको बताना है एओ ह्यूम, ठीक है। उसके बाद देखिए आता है प्रश्न कि महासचिव कौन था। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एओ ह्यूम जो थे वो इस संस्था के काफी लंबे समय तक, लगभग 20 साल तक ये जो है महासचिव बने रहे। तो एओ ह्यूम जो है वही महासचिव थे, अध्यक्ष का पद उन्होंने नहीं संभाला था, परंतु महासचिव वे लंबे समय तक बने हुए थे। उसके बाद देखिए एक प्रश्न आता है कि प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि आयोगों द्वारा पूछे गए हैं, अलग अलग आयोग, मतलब इसमें हमने सारे आयोगों को सम्मिलित करके ये प्रश्न श्रृंखला बनाई है। इसलिए देखिए आपको जरूरी नहीं है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसी आयोग के ही प्रश्नों को देखें। आप जब इंडियन नेशनल मूवमेंट कर रहे हैं, तो आपको जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न कहीं से भी मिल रहा है जो किसी भी आयोग द्वारा पूछा गया है, आपको वो जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इसमें मैंने UPSC के प्रश्नों को नहीं शामिल किया, क्योंकि उसका लेवल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उसके अलावा मैंने सभी प्रश्नों को इसमें शामिल किया है। तो देखिए कितने प्रतिनिधि शामिल हुए, तो यहाँ पे आता है 72 प्रतिनिधि जो है वो यहाँ पे शामिल हुए थे। उसके बाद देखिए ज़्यादातर प्रतिनिधि जो है वो बम्बई के ही थे, और कलकत्ता से बहुत कम प्रतिनिधि शामिल हुए थे, उसका भी मैं कारण अभी बताऊंगा। अगर बात करें तत्कालीन वायसराय, तो उस समय जो वायसराय थे इंडिया के वो कौन थे, तो यहाँ पे जो नाम आता है वो आता है लॉर्ड डफरिन का। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो है ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। और लॉर्ड डफरिन जो है वो थे, ये 1884 से 1888 तक ये भारत के वायसराय थे। इसलिए इन्हीं के समय में जो इनकी सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो यही है कि इनके समय में कांग्रेस की स्थापना हुई, और जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो बेसिकली इन्होंने उसको जो है एक उनका मजाक भी उड़ाया कांग्रेस का, ये कहकर कि ये जो है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। तो इसका मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कांग्रेस को इन्होंने सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहा। कांग्रेस को किसने कहा सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था, तो ये थे लॉर्ड डफरिन। डफरिन ने इनको कहा था, जो कि उस समय के वायसराय थे, उन्होंने कहा था कि ये कांग्रेस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वो बेसिकली पूरे देश को नहीं रिप्रेजेंट करती है। इन्होंने नाम भले ही ऑल इंडिया लेवल का रख लिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, परंतु ये वास्तव में कुछ ही जो चुनिंदा लोग हैं उन्हीं को ये रिप्रेजेंट करती है, ये पूरे भारत को रिप्रेजेंट नहीं करती है। ये बात कहीं ना कहीं उस समय के लिहाज से सत्य भी थी। उस समय में पूरा भारत इससे नहीं जुड़ा हुआ था, ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते भी नहीं थे, और ये अपना बस 3-4 दिन का अधिवेशन करके उतने ही तक सीमित रहते थे। परंतु धीरे धीरे हम देखते हैं कि इसी में जब आगे चल के बड़े बड़े नेताओं का आगमन होता है, तो उसके बाद कांग्रेस जो है एक सर्व प्रमुख संस्था बन जाती है हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। चलिए तो इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न जो है वो डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने जो डफरिन ने क्या कहा था, ये हम लोग अच्छी तरीके से आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि इस पे प्रश्न पूछा गया है, परंतु ये मैंने इसमें नहीं डाला है। ये आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा कि डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, तो वो ये है कि किसके सुझाव पर कांग्रेस नाम रखा गया। देखिए दरअसल जब इसका जो एक यहाँ पर देखिए एक नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए अच्छा, एक आपने सुना होगा दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी जो हैं वो एक बड़े कांग्रेस के लीडर थे उस समय पे, और ब्रिटेन में भी इनकी काफ़ी ख्याति थी।
और तो दादाभाई नौरोजी जो है वो काफी सीनियर लीडर थे, इन्हीं को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जैसा कि आप कई बार प्रश्न भी पूछा गया, आप लोगों को पता भी होगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग लिखते चलेंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जो मैं दे रहा हूँ उससे भी प्रश्न पूछे गए हैं, और आप लोगों को जैसा जैसा मुझे याद आता जाएगा सारी चीज़ें मैं आपको बताता जाऊँगा, और वो भी आप लोग अपने नोट्स में शामिल करते रहिएगा। तो देखिए, दादाभाई नौरोजी जो हैं वो एक सीनियर कांग्रेस लीडर थे, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। अब जब 1885 में, जब 1884 में हमने देखा कि एओ ह्यूम ने जब इसकी स्थापना की थी, तो एओ ह्यूम ने इसका नाम रखा था इंडियन नेशनल संघ यूनियन, इंडियन नेशनल यूनियन या फिर भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो इंडियन नेशनल यूनियन या भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका नाम रखा गया था 1884 में, परंतु जब इनको 1885 में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इन्होंने नाम बदल के यूनियन में, यूनियन को हटा के और वहाँ पे कांग्रेस कर दिया, तो ये INU से INC बन गई, ठीक है। और ये किसके कहने पे हुआ, तो दादा भाई नौरोजी कहने पे हुआ। अगेन ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा गया है। तो देखिए, ये जो है, अगर पूछा जाए कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो कांग्रेस की स्थापना इसीलिए कहा जाता है कि 1885 में हुई, जबकि वास्तव में एओ ह्यूम ने स्थापना तो 1884 में कर दी थी, परंतु उस समय नाम दूसरा था, उस समय नाम यूनियन या संघ था, भारतीय राष्ट्रीय संघ, और उसी को बदल करके दादाभाई नौरोजी के सुझाव पर इसे 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस के रूप में स्थापित किया गया, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में, ठीक है। तो ये अपना कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, अगला एक प्रश्न बनता है कि उस समय पे कौन प्रमुख नेता अनुपस्थित था। देखिए, पहला जो ये अधिवेशन हुआ था, इसमें एक बहुत बड़े लीडर जो उस समय के हुए थे, कांग्रेस के लीडर आगे चल के बहुत नामी भी रहे, तो उनमें से एक जो है वो अनुपस्थित थे, नहीं मौजूद थे। वो कौन थे, तो वो देखिए बंगाल के एक नेता थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये क्यों अनुपस्थित थे, तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे, और इस SN बनर्जी भी इनको बोला जाता है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे, ये दरअसल देखिए 1876 में इन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी आनंद मोहन बोस के साथ में मिलकर इन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी 1876 में, वो था संस्था इंडियन एसोसिएशन। ये संस्था, ऐसा माना जाता है कि ये जो है पहली बार राष्ट्रीय मांगों को उठाने वाली एक संस्था थी, जिसने विभिन्न प्रकार की राष्ट्रीय मांगों को उठाते हुए राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी। इससे पहले जो संस्थाएं बन रही थी वो क्षेत्रीय स्तर पर कुछ लोगों के संगठन से बन रही थी, परंतु इन्होंने ये राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की। ऐसा भी कहा जाता है कि इसी संस्था से राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की, सबका अपना डिफरेंट ओपिनियन है। तो 1876 में स्थापना होती है इंडियन एसोसिएशन की, बल्कि SSC में 2017 में ये प्रश्न पूछा भी गया था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव जिस संस्था ने रखी, यानी इंडियन एसोसिएशन ने, उसके अध्यक्ष कौन थे, ऐसा करके ही प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर के इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की। इन्होंने कई सारी राष्ट्रीय मांगों को उठाया, और मुख्यतः एक बहुत फेमस इन्होंने आंदोलन किया, सिविल सेवा आंदोलन, तो वो भी जो है इस संस्था द्वारा ही उठाया गया। इसमें आप लोग लिख लीजिए कि सिविल सर्विस मूवमेंट या सिविल सेवा आंदोलन जो है वो भी इंडियन एसोसिएशन द्वारा ही किया गया, सिविल सेवा आंदोलन। और देखिए, इन्हीं की ये संस्था का जो दो अधिवेशन हुए थे, पहला अधिवेशन तो इनका 1883 में हुआ था, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु दूसरा अधिवेशन इनका 1885 में कोलकाता में होना सुनिश्चित हुआ था। अब देखिए, कोलकाता में जब इनका, जो आजकल का कोलकाता है, उस समय कलकत्ता, उसमें इनका जो अधिवेशन होना सुनिश्चित हुआ था, और यही कारण है कि इनके अधिवेशन का, या इनका जो ये कॉन्फ्रेंस थी, जिसको इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, INC, ये INC अलग है, ठीक है, ये इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ना हो करके ये इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो ये कांग्रेस ना हो करके कॉन्फ्रेंस है यहाँ पर। और ये इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो 1885 में कोलकाता में होना था, इस वजह से ही ये जो है ये बम्बई में होने वाले इंडियन नेशनल कांग्रेस में नहीं शामिल हो पाए थे, ठीक है। तो कौन नहीं शामिल हुआ था, इसमें एक नाम आता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है।
उसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन। अब कांग्रेस के अगर दूसरे अधिवेशन की बात करें तो देखिए इसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अध्यक्ष कौन था। तो यहाँ पर जो सबसे सीनियर लीडर उस समय पे थे, आपको मैंने अभी बताया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है, वो यहाँ पे अध्यक्ष बने थे, दादा भाई नौरोजी। देखिए दादा भाई नौरोजी 1886 में ये अध्यक्ष बने। दूसरा अधिवेशन हुआ कब था, तो ये उसी के अगले वर्ष हुआ था 1886 में, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और देखिए सबसे बड़ा जो उस समय मतलब प्रांत, सबसे बड़ी जो एक शहर होता था सबसे बड़ा, वो था कलकत्ता, जहाँ पर इसका अधिवेशन हुआ था। तो अगर हम बात करें कि कलकत्ता में इसका जो है अधिवेशन हुआ, जो कि दूसरा प्रश्न था, अगेन कई बार पूछा गया है कि भारत इसका द्वितीय अधिवेशन कहाँ हुआ, तो ये कलकत्ता में हुआ, ठीक है। और जो पहला अधिवेशन था वो बम्बई में हुआ था। उसके बाद देखिए कि अध्यक्ष जो दादा भाई नौरोजी थे, ये जो है इनके बारे में वैसे अभी कोई स्पेसिफिक प्रश्न आएगा तो हम लोग और भी बातें डिटेल में अध्ययन कर रहे होंगे। वैसे ये कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो 3 बार बने थे, सीनियर लीडर थे, 3 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने। एक बार ये 1886 में बने, दूसरी बार ये 1893 में बने, और तीसरी बार ये 1906 में बने। तो 1906 में देखिए कैसे बने वो भी हम लोग डिस्कशन आगे करेंगे। बहरहाल अभी समझिए कि 1886 में ये अध्यक्ष बने, यानी कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन के ये अध्यक्ष बने थे। उसके बाद 1893 में बने, 1906 में बने, ठीक है। द्वितीय अधिवेशन हुआ कहाँ पे था, तो कलकत्ता में हुआ था। उसके बाद देखें कि किस संस्था का विलय हुआ, तो जो संस्था के सदस्य, जो संस्था के अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जो कि 1885 में पहले अधिवेशन में नहीं शामिल हो पाए थे, वही इस संस्था के यहाँ पर अध्यक्ष यहाँ पर अपनी संस्था को मिला देंगे। यानी कि यहाँ पर देखिए इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसकी मीटिंग जो है वो 1885 में कलकत्ता में हुई थी, अभी जैसे मैंने डिस्कस किया, तो उसको ये यहाँ पे इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में मिला देंगे। ये विलय का मतलब होता है मिला देना, अपने आप को घुला देना। तो ये जो है कॉन्फ्रेंस वाली संस्था ये कांग्रेस में मिला दी गई, और इसके जो अध्यक्ष थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, ये आपको मैंने अभी बताया ही। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है उन्होंने 1886 में विलय कर दिया, तो जाहिर सी बात है ये 1886 वाले अधिवेशन में यानी द्वितीय अधिवेशन में ये भी शामिल हुए होंगे। उसके बाद देखिए एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे और ये कब थे। तो यहाँ पे 2 प्रश्न है, कौन हुआ और कब हुआ। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष आपको पता होना चाहिए कि ये जो है बदरुद्दीन तैयब जी ये जो है कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, और ये तीसरे अधिवेशन, जो थर्ड अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, थर्ड जो कांग्रेस थी, कांग्रेस को ही बल्कि अधिवेशन बोल दिया जाता है हिंदी में, तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता जो है वो इन्होंने की थी, इसीलिए ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी बोले जाते हैं। और ये कब हुआ, तो देखिए उसी के अगले साल 1885 पढ़ लिया हम लोग ने, 1886 पढ़ लिया, और ये है 1887 में। तो यहाँ पे 2 प्रश्न आपके ये भी तैयार हो गए कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, और कब हुआ स्थापना, तो 1887 में हुआ। उसके बाद अगर हम लोग अगला देखें तो कांग्रेस का प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन था, तो देखिए ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, कांग्रेस का प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जो है वो कौन था। तो देखिए आपको जो इसके अगला वाला अधिवेशन हुआ उसमें हम लोग बात करें तो जॉर्ज यूले इसके पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे, ये भी ब्रिटिश सरकार में सेवारत थे, और इन्होंने भी ये जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की। और ये कब की, तो इसके जो अगला वाला अधिवेशन था यानी जो चौथा अधिवेशन था उसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी, फोर्थ कांग्रेस की इन्होंने अध्यक्षता की थी। अब साथ ही साथ हम लोग ये भी तैयार कर लें कि फोर्थ कांग्रेस जो है वो कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी, तो ये देखिए उसी के अगले साल 1888 में हुई, और ये कहाँ पर हुई, तो ये हुआ इलाहाबाद में। अब देखिए इसके पहले जो हम लोग देखा कि ये जो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ 1887 में,
अगर ये कहाँ पे हुआ तो इसका भी हम लोग चर्चा कर लें, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे भी आता है कि ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे या फिर बद्रुद्दीन तैयब जी थे, उस समय पे अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था मद्रास में, ठीक है। ये तीसरा अधिवेशन, थर्ड कांग्रेस हुआ था मद्रास में, जिसकी अध्यक्षता बद्रुद्दीन तैयब जी ने की थी, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। उसके बाद देखिए, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, जो कि फोर्थ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और ये 1888 में इलाहाबाद में ये संस्था, ये जो है कांग्रेस हुई थी। और आप देखिए कि पहला अधिवेशन हुआ बॉम्बे में, बॉम्बे एक बड़ी सिटी थी, बॉम्बे में पहला अधिवेशन हुआ, दूसरा हुआ कलकत्ता में, तीसरा जो हुआ वो बॉम्बे कलकत्ता, उसके बाद तीसरा जो बड़ी सिटी थी वो थी आपकी ये मद्रास, और उसके बाद जो चौथा अधिवेशन हुआ वो हुआ आपका इलाहाबाद में, जिसे आजकल प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, ये यहाँ पे दिल्ली नहीं है, आप लोग ये मत सोचिएगा कि बॉम्बे कलकत्ता मद्रास हो गया तो अब चौथा दिल्ली होगा, नहीं। उस समय में इलाहाबाद जो है वो जो राष्ट्रीय आंदोलन के बड़े नेता थे उनका एक गढ़ माना जाता था, इसलिए ये अधिवेशन जो है वो इलाहाबाद में हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी और कब थी? अब देखिए, हम लोग प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पे बात कर लिए, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पे बात कर लिए, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पे बात कर लिए, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष पे बात कर लिए, तो लगे हाथ हम लोग ये भी बात कर लेते हैं कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी और वो कब थी। तो देखिए, अगर हम लोग ये देखते हैं तो इसमें आंसर आता है कि एनी बेसेंट जो है वो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। आपको पता होगा कि ये जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी जुड़ी रहीं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की ये लंबे समय तक प्रधान रहीं, वहाँ की मुखिया रहीं। ये एक सामाजिक धार्मिक संस्था थी जिसको हम लोग सामाजिक धार्मिक आंदोलन वाले चैप्टर में विस्तार से कवर करेंगे और समझेंगे कि ये क्या कार्य करती थी, क्या नहीं करती थी। तो एनी बेसेंट जो है वो इससे भी जुड़ी रहीं, और ये पहली महिला अध्यक्ष होने का खिताब इन्हीं के नाम है। और ये कौन थी ये तो हम लोग डिस्कस कर लिया, कब बनी तो ये दरअसल 1917 में बनी, 1917 में ये कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, क्योंकि इससे पहले ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की तो अध्यक्ष थी, एक इन्होंने और मूवमेंट शुरू किया था जिसको बोलते हैं होम रूल आंदोलन, जिसको हिंदी में कुछ किताबों में ऐसे स्वशासन आंदोलन दे दिया जाता है, परंतु आम तौर पर जब परीक्षा में पूछा जाता है तो वो होम रूल आंदोलन ही पूछते हैं या होम रूल लीग पूछते हैं। तो होम रूल लीग या होम रूल मूवमेंट जो है ये इन्होंने एक लीग के माध्यम से दरअसल ये गठन किया, और उससे इन्होंने एक मूवमेंट का रूप ये ले लिया, क्योंकि ये काफ़ी प्रचलित हो गई थी ये संस्था, तो इसलिए इसकी स्थापना जो है वो एनी बेसेंट ने की थी। और ये 1917 में, ये इसीलिए ये 1916 में होम रूल मूवमेंट इसकी स्थापना हुई थी होम रूल लीग की, इसलिए 1917 में इनको कांग्रेस का अध्यक्ष भी बना दिया गया। और उसके बाद देखिए तो 1917 में ये जो अधिवेशन हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, तो ये अगेन कलकत्ता में ही हुआ था। कलकत्ता में कई सारे अधिवेशन हुए हैं, तो उन्हीं में से एक ये जो है 1917 वाला भी अधिवेशन था। तो अगर पूछा जाए कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी तो एनी बेसेंट थी, होम रूल लीग की संस्थापिका कौन थी तो एनी बेसेंट थी, होम रूल मूवमेंट से कौन जुड़ा था तो एनी बेसेंट, थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान कौन थी तो वो भी एनी बेसेंट थी, जो कि लंबे समय तक रहीं, 1905 से तकरीबन 1917 तक जो है ये इसकी प्रधान रहीं। परंतु इसके संस्थापक कौन थे वो अलग थे, वो कर्नल अलकॉट और मैडम ब्लाटवस्की थी, जो हम लोग की अपनी जो हमारा वाली क्लास होगी सामाजिक धार्मिक आंदोलन, उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद देखिए कि 1917 वाला जो अधिवेशन हुआ वो कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, अभी तो हम लोग देखा कि महिला अध्यक्ष कौन थी, लेकिन अगर बात आता है कि भारतीय महिला अध्यक्ष, ये दरअसल एंग्लो आयरलैंड मूल की थी तो इसलिए ये भारतीय नहीं थी, लेकिन जब भारतीय महिला अध्यक्ष का नाम आता है तो इसमें नाम आता है सरोजनी नायडू। ये आपको पता ही होगा कि सरोजनी नायडू जो है वो काफ़ी फेमस लीडर थी, जो कि यूपी की पहली राज्यपाल भी रहीं। यूपी की पहली राज्यपाल, जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय पे यूपी की जो पहली राज्यपाल स्वतंत्र भारत की रहीं, वो 1947 से दो साल तक 1949 तक
ये सरोजनी नायडू ही यूपी की पहली राज्यपाल थी। और इसके अलावा देखिए कि ये जो कौन, तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कब किया, तो ये इसका जो है 1925 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने ये शामिल हुई थी। और ये था 1925 वाला अधिवेशन हुआ था आपका, ये हुआ था कानपुर में। तो ये जो है कानपुर कांग्रेस की अध्यक्षता थी और कानपुर में एक ही अधिवेशन हुआ और वो सरोजनी नायडू के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये 1925 में सरोजनी नायडू थी। इनका देखिए, इनका जो हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसमें भी इनकी बड़ी भूमिका थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन, वहाँ पर इन्होंने काफ़ी जो है सक्रिय तौर पर भाग लिया था। और एक धरसना नमक गोदाम था उसमें भी जो है इन्होंने नेतृत्व किया था। और वहाँ पर पुलिस मतलब जो सबसे पहले जेल जाने वाले नेता में से ये थी, और बल्कि जो पुलिस मतलब मारपीट की थी तो उसकी इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी फोटोज़ वगैरह छपी। तो उससे एक भारतीय जो आंदोलन था सिविल सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसको इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी समर्थन मिला, क्योंकि वहाँ पर ये दिखाया गया, ये चित्रित किया गया विभिन्न देशों के अखबारों में कि भारत में इस तरीके से सरकार अमानवीयता कर रही है, वो स्त्रियों पर लाठी चला रही है, ये सारी चीज़ें दिखाई गई। तो इस वजह से सिविल सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में हुआ था उनमें जो है सरोजनी नायडू की एक बड़ी भूमिका थी, गांधी जी की दृढ़ अनुयायी थी। और उसके बाद देखिए अगला हम लोग देखते हैं, तो ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया। तो हम लोग देखिए अध्यक्ष में हम लोग ने पहला तो ये डिस्कस किया कि पहले अध्यक्ष कौन थे, उसके बाद दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो दादाभाई नौरोजी, तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी, चौथे अधिवेशन के और प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूले थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 1917 में जाकर के पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस को मिली, वो थी एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष के तौर पर सरोजनी नायडू नियुक्त हुई 1925 में कानपुर अधिवेशन में। उसके बाद देखिए एक प्रश्न आता है, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया का संस्थापक अध्यक्ष कौन था, तो देखिए ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया जो है वो दरअसल कांग्रेस ने ही इसको जो है स्थापित किया, कांग्रेस की ही एक उपसमिति आप कह सकते हैं, कांग्रेस की ही ये उपसमिति थी जिसको 1889 में दादाभाई नौरोजी के सुझाव पर ही इसको स्थापित किया गया। इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो थे विलियम डिग्बी, विलियम डिग्बी इसके जो है, ये डिग्बी नहीं है, डिग्बी है, विलियम डिग्बी इसके पहले अध्यक्ष थे। और देखिए विलियम डिग्बी ने इसकी स्थापना जब की थी, ये दरअसल ब्रिटेन में ये संस्था काम करती थी और वहाँ पर इसका काम ये था कि जो ब्रिटेन के लोग हैं और जो ब्रिटेन की सरकार है उसको ये समझा सके कि भारत में जो सरकार चल रही है वो वास्तव में उस अनुरूप नहीं चल रही है जैसा कि ब्रिटेन की सरकार चाहती है। और ये कहीं ना कहीं जो ब्रिटेन में ब्रिटेन के जो वासी थे और उनके बीच में एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति सहानुभूति जगाना चाहती थी ताकि उन लोगों का हमें नैतिक समर्थन मिलता रहे। ठीक है, तो इस उद्देश्य से ये संस्था शुरू की गई थी और अपनी बातों का प्रचार करने के लिए इन्होंने इंडिया नाम का एक साप्ताहिक पत्र भी चलाया था इंडिया नाम से। तो प्रश्न ये भी खूब आता है कि इंडिया की स्थापना, इंडिया साप्ताहिक पत्र जो है वो किसका था, इंडिया नामक पत्रिका जो है वो कौन प्रकाशित करता था, तो ये ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया ये जो है प्रकाशित करती थी। और ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, 1889 में, कौन इसका अध्यक्ष था, तो विलियम डिग्बी जो है इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। ये कांग्रेस की ही एक उपसमिति थी जिसका काम था ब्रिटेन के लोगों में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति जन भावना जो है वो मजबूत करना, भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके प्रति एक सहानुभूति अर्जित करना, भारतीयों की मांगों के प्रति एक सहानुभूति पैदा करना लोगों में। और ये इंडिया जो है ये साप्ताहिक पत्र था ये भी इसी संस्था का था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये देखिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसमें हम लोगों ने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। मेरा ये अनुमान है कि अगर आपका कोई भी परीक्षा में और इंडियन नेशनल मूवमेंट से अगर प्रश्न आते हैं, जैसा कि आप अगर सभी परीक्षाओं में देखेंगे तो आजकल जो इंडियन नेशनल मूवमेंट से प्रश्न पूछे जाने की सबसे ज़्यादा तादाद होती है, और एंशियंट से, मिडिवल से और मॉडर्न से, इन तीनों से उतने प्रश्न नहीं पूछे जाते जितना केवल इंडियन नेशनल मूवमेंट से पूछ लिया जाता है। इसीलिए यही कारण है कि मैंने सबसे पहले डायरेक्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट शुरू किया है।
और इसमें देखिए कि सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है जो कि सभी आयोग द्वारा पूछे जाते हैं, तो उन सभी को हम लोग कवर कर रहे हैं। और इससे आप लोगों को कहीं ना कहीं ये भी दिशा जा गई, देखिए जीएस जो है बहुत बड़ा एक पोर्शन है, बहुत बड़ा पोर्शन है, उसमें अगर हम लोग सारा पढ़ेंगे तो वो आइडियली आपके लिए ठीक होगा, आपको बहुत अच्छा है कि आप सारा पढ़ें, परंतु पेपर निकालने में उससे मुश्किल होती है। क्योंकि आप देखिए कोई भी बुक में दी तो सारी ही चीज़ रहेंगी, क्योंकि बुक लिखने वाले की ये मजबूरी है कि वो कुछ छोड़ नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको पेपर में क्वालिफाई करना है, उसमें उसकी अप्रोच को समझना है, तो फिर आपको ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों का अपने स्तर पर बहुत अच्छे से अध्ययन करें, और वहाँ से ये भी समझ लें कि किस तरीके किस सेक्टर से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मतलब जैसे अगर मॉडर्न है तो मॉडर्न में अब आप जो है वो मतलब उत्तरकालीन जो मुग़ल सम्राट है वहाँ से शुरू करेंगे, और आपका जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे एक तरफ, और केवल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के चैप्टर एक तरफ। ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप इसको तैयार कर लेंगे तो आपके मॉडर्न में अगर मान लीजिए कि 10 प्रश्न आते हैं तो 10 में 8 प्रश्न हो सकता है आपको इसी से मिल जाए। क्रम में हमने आपके लिए ये सारी चीज़ें लाई हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।